समय यात्रा, टाइम ट्रेवल एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर हमें एंड गेम, बैक टू द फ्यूचर, 24, यहाँ तक कि डोरेमोन और बेंटन जैसे कई शोज की याद आती है। दोस्तों, आज तक कई मूवीज, टीवी शोज, कार्टून शोज और वेब सीरीज में समय यात्रा को लेकर कई थ्योरीज और वेज को दिखाया गया है। कुछ में गुफा के जरिए, तो कुछ में घड़ी के जरिए, कुछ में कार के जरिए, तो कुछ में अपने स्टडी टेबल के डेस्क के जरिए। इन सब मूवीज़, वेब सीरीज और कार्टून्स को देख आप में से भी कई लोगों ने अपने जीवन में एक ना एक बार तो टाइम ट्रेवल करने के बारे में ज़रूर सोचा होगा। आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हो अगर एयरवेज, रेलवेज और रोडवेज की ही तरह टाइम ट्रेवल को भी लोगों में सोशलाइज कर दिया जाए। क्या होगा अगर आप 100 रुपये में टिकट खरीद के टाइम ट्रेवल कर पाए तो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम एक ऐसी दुनिया के बारे में कल्पना करने जा रहे हैं जहां पर टाइम ट्रेवलिंग करने पे कोई पाबंदी नहीं है और यहां पे टाइम ट्रेवल का आविष्कार भी हो चुका है। हां, बस आपको गवर्नमेंट के जरिए लागू किए गए कुछ रूल्स को मानना होगा। दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक ताकि आपको टाइम ट्रेवलिंग से जुड़े कुछ बेहद ही रोमांचक और डरावनी बातों के बारे में पता लग सके। इतना तो पक्का है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका टाइम ट्रैवलिंग के प्रति नज़रिया बिल्कुल ही बदल जाएगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप अपने काम में जी जान से मेहनत कर रहे हो पर एक छोटी सी गलती के कारण आपका करियर दांव में लग गया है, पर आप इसे सुधार सकते हो। आखिर टाइम ट्रेवल का आविष्कार जो हो चुका है, तो क्या होगा अगर आपने अपनी की हुई गलती को वापस पास्ट में जाकर सुधार दिया तो। क्या आप वाकई में ऐसा कर पाएंगे और अगर हाँ, क्या इसके कारण कोई टाइम पैराडॉक्स क्रिएट हो जाएगा? आखिर आपको किस तरह का टाइम मशीन चाहिए होगा ऐसा कर पाने के लिए? टाइम ट्रेवलिंग इतना आसान नहीं जितना लगता है। अभी तक के हमारे इस वीडियो को देख आपने ये अनुमान तो लगा लिया होगा कि वाकई में टाइम ट्रेवलिंग किसी कार या फिर किसी घड़ी से कर पाना तो मुमकिन नहीं। फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक थ्योरेटिकली तो टाइम ट्रेवलिंग कर पाना मुमकिन है, पर प्रैक्टिकली ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आइंस्टाइन के मुताबिक टाइम फोर्थ डायमेंशन है जो कि बाकी के तीनों डायमेंशंस को कैरी करता है। इसीलिए आपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि वक्त किसी के लिए नहीं थमता, यहाँ तक कि खुद के लिए भी नहीं। थ्योरेटिकली टाइम ट्रेवल कर पाने के लिए हमें एक ऐसे स्पेसशिप का निर्माण करना होगा जो कि लाइट की गति से भी तेज जा पाए, जिसके कारण शिप के भीतर बैठे लोगों के लिए तो वक्त धीमी गति से बीत रहा होगा, पर साथ ही साथ बाहर कई सदियां बीत रहे होंगे। और जब शिप के अंदर के लोग इतने सदियों का सफ़र तय कर वापस धरती पर लौटेंगे, तब तक वे फ्यूचर में पहुंच चुके होंगे। ये बिल्कुल ऐसा होगा कि वे 3 सालों के लिए सफ़र पर थे और वापस लौटने पर धरती पर लगभग 80 सालों का वक्त बीत चुका होगा। इसका मतलब ये होगा कि वे फ्यूचर में पहुंच चुके होंगे। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूँ, लाइट का स्पीड कुछ इतना होता है, पर इस थ्योरी के अनुसार अगर हम चाहें तो सिर्फ फ्यूचर में ही ट्रेवल कर सकते हैं, पास्ट में नहीं। मॉडर्न सदी के महान साइंटिस्ट सर स्टीफन हॉकिंस के हॉकिंग रेडिएशन थ्योरी की सुने तो उन्होंने ये कहा था कि समय यात्रा मुमकिन है पर उसे यह धरती पर कर पाना मुश्किल है। उन्होंने कहा है कि समय यात्रा तभी मुमकिन होगा जब हम इंसान किसी वॉर्म होल को खोज ले। आइंस्टाइन का कहना था कि वॉर्म होल एक ऐसा टाइम स्पेस टनल है जो कि एक ही रियलिटी के 2 अलग अलग वक्त से जुड़ा होता है। मतलब अगर हमें कई सदियों का सफ़र एक ही वक्त में तय करना हो तो वॉर्म होल के इस्तेमाल से हम ऐसा कर सकते हैं। वॉर्म होल 2 अलग अलग रियलिटीज़ के गैप्स को फिल करता है, जिसके कारण टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। पर समस्या ये है कि एक वॉर्म होल का साइज़ एक किशमिश के दाने के जितना होता है और इतने छोटे सुरंग में घुस पाना संभव नहीं। लेकिन हम ये मान चुके हैं कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। कल्पना कीजिए कि हम एक सुपर स्पीड ट्रेन में बैठकर टाइम ट्रेवल कर सकते हैं।
अगर ऐसा सच में होगा तो जितना मज़ेदार ये लग रहा है, ये उतना मज़ेदार नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़े खतरे को निमंत्रण देने जैसा होगा। अगर टाइम ट्रेवल सोशलाइज हुआ तो 100 में से 90% लोग अपने खुद के किए गए गलतियों को सुधारने के लिए भूतकाल में जाने का प्रयास करेंगे, ये सोचकर कि उनका फ्यूचर सुधर जाएगा। यहीं पर क्रिएट होंगे लाखों करोड़ों पैराडॉक्स और रियलिटीज। उन्हीं पैराडॉक्स में से कुछ को समझ लेते हैं। तो पहला पैराडॉक्स है ARP, यानी कि अल्टरनेट रियलिटी पैराडॉक्स। अगर हम पास्ट के साथ छेड़खानी करते हैं तो उससे फ्यूचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जो जैसा था वैसा ही रहेगा। पर जिस पास्ट के साथ छेड़खानी की गई है उसके दो अलग अलग रियलिटीज क्रिएट हो जाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरे पास्ट में किसी जगह 10 करोड़ रुपए छुपाए गए हैं, पर मुझे पता नहीं था और मैंने कोई एक्शन नहीं लिया और वो पैसे किसी और को मिल गए। पर पैसे मिलने के 1 महीने के बाद मुझे पता लगता है कि 1 महीने पहले पैसों को कहाँ पर छुपाया गया था, पर प्रेजेंट में उस जगह पर पैसे नहीं हैं। तो मैंने टाइम ट्रेवल किया और प्रेजेंट से 1 महीना पास्ट में जाके वो पैसे अपने ही पास्ट सेल्फ को दे दिया और वापस 1 महीने फ्यूचर में लौट गया। पर जब मैं फ्यूचर में लौटूंगा तब मेरे ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, बल्कि मेरे जिस हमशक्ल को मैंने पैसे दिए थे उसका एक अलग ही रियलिटी क्रिएट हो जाएगा और यहीं से शुरुआत होगा अल्टरनेटिव रियलिटी पैराडॉक्स का। यहाँ पर जिस वक्त मैंने अपने ही पास्ट सेल्फ को पैसे दिए थे वहाँ से एक अलग रियलिटी क्रिएट हो जाएगा और इस तरह दो अलग और अल्टरनेटिव रियलिटीज होंगे, जहाँ एक रियलिटी में मेरे पास पैसे होंगे और मैं अमीर रहूँगा और दूसरे रियलिटी में मेरे पास पैसे नहीं होंगे और मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस पैराडॉक्स को कहते हैं अल्टरनेटिव रियलिटी पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स में हम टाइम ट्रेवल करके जो हो चुका है उसको कभी नहीं बदल सकते, और अगर हमने ऐसा किया या फिर ऐसा करने का कोशिश किया तो फिर एक अलग ही रियलिटी क्रिएट हो जाएगा। इसी पैराडॉक्स पे आधारित 2018 में एक वेब सीरीज भी आई थी जर्मनी की, डार्क। दूसरा है बहुत ही मशहूर दी ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के अनुसार मान लीजिए कि कोई इंसान अपने पास्ट में जाता है और अपने दादा और दादी के मिलने से पहले ही वो अपने दादाजी को मार देता है, तो इस हालात में उसके पिताजी का भी जन्म नहीं होगा और उसका खुद का भी अस्तित्व नहीं होगा, और यहाँ पर क्रिएट होता है दी ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के अनुसार अगर हम पास्ट के साथ छेड़खानी करेंगे तो उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट और फ्यूचर पर पड़ेगा, ठीक जैसा हमें इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया था। इस पैराडॉक्स को स्टडी करने के बाद सर स्टीफन हॉकिंस ने अपने बुक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में कहा है कि हम फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं लेकिन पास्ट में नहीं, क्योंकि अगर हम पास्ट में छेड़खानी करेंगे तो उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में पड़ेगा, लेकिन हम फ्यूचर में अगर टाइम ट्रेवल करते हैं तो उसका इम्पैक्ट पास्ट और प्रेजेंट में नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने के बाद हम वापिस ही नहीं आ पाएंगे। और ठीक इन्हीं पैराडॉक्स की तरह कई पैराडॉक्स का जन्म होगा अगर टाइम ट्रेवल सोशलाइज हो गया तो। ये कुछ ऐसा होगा जैसा किसी पेड़ का तना होता है, फिर ऐसे पैराडॉक्सेस का जाल सा बन जाएगा अलग अलग रियलिटीज का। खैर, अब आप समझ चुके होंगे कि टाइम ट्रेवल जितना सरल लगता है उतना नहीं है, और अगर टाइम ट्रेवल सोशलाइज हुआ तो उससे फ़ायदे कम नुकसान ज़्यादा होंगे। पर क्या हो अगर हम टेलीपोर्टेशन को सोशलाइज कर दें, इस पर विचार करेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये हाइपोथेसिस कुछ अलग और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।